और चलिए आपको बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा तो होनी है, सबको पता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आपको अपील याद होगी, उन्होंने कहा कि घर घर दिए जलाए जाए, यानी दीपोत्सव मनाया जाए क्योंकि भगवान राम पधार रहे हैं। ऐसी तैयारी अयोध्या में भी खास की गई है। आपको बता दें कि यहाँ भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या के अंदर, और इसीलिए दीयों को तैयार कर दिया गया है, दीयों को सजा दिया गया है। दीपों को कैसे सजाया जा रहा है जरा देखिएगा आप ये रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त दीपोत्सव भी मनाया जाएगा, इसको लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बकायदा अयोध्या वासियों ने इस पूरे दीपोत्सव को लेकर अलग अलग तरीके से अपनी तैयारियां की हैं। दियों को जो है पूरी तरह सजाया गया है, आप देख सकते हैं कि दियों पर जो है अयोध्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ऐसे में भगवान श्री राम और लला की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इस दौरान तमाम लोग जो है वो दीप जलाएंगे और पूरे देश भर में दीपोत्सव होगा। उस दौरान यहाँ पर भी जो है विशेष तौर का जो है एक आयोजन किया जा रहा है, और आप तस्वीरों में देखते हैं कि भव्य तरीके से इस पूरे जो प्रांगण है उसको सजाया गया है, और यहाँ पर ये पूरा जो दीपोत्सव है उसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दीपक जलाते हुए नजर आएंगे, और आप देख सकते हैं कि बाकायदा इसके लिए भव्य तैयारी जो है वो की गई है, और यहाँ पर जो है पूरी तरह से दीपों को रखा गया है। इसी तरह से पूरे अयोध्या में तमाम जगहों पर दीपों को जो है लाके रखा गया है, और 22 तारीख को एक साथ तमाम जगहों पर शाम को दीपक जलाया जाएगा, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम है। इस दौरान यहाँ पर अगर हम बात करें तो अयोध्या में तमाम घरों में दीपक जलेंगे, इसके साथ साथ तमाम मंदिरों में दीपक जलेंगे, और फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारियां जो है कर ली गई हैं, और इस भव्य दीपोत्सव की का जो पूरा साक्षी है वो अयोध्या बनेगा, और इसके लिए पूरी तरह से तैयारी जो है वो की गई है, और तमाम जगहों पर जो है इसी तरह से जो दीपक है वो रखे गए हैं, और इस दीपक के जरिए जो है एक भव्य दीपोत्सव भी जो है मनाया जाएगा। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, अयोध्या।